राजू सिंह साइंस चैनल में मैं राजू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा डिजिटल सर्विस टैक्स। भारत सरकार ने लगाई है और इस पर अमेरिका के द्वारा जो विरोध जताया जा रहा है इसके संदर्भ में। तो आप जानिए कि इसके पहले भी टैक्स लगा था जिसको गूगल टैक्स के रूप में आप लोग जानते हैं। ये 2016 में 1 जून से लगाया गया था, जो यूपीएससी ने उसको पूछा भी है। लेकिन सवाल उठता है कि इस बार कौन सा टैक्स कैसा लगा कि ये थोड़ा दूसरे ढंग से विरोध हो रहा है। अमेरिका में USTR है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। इस संस्था का काम है कि व्यापार नियम तय करना, वहाँ के राष्ट्रपति को इसके संदर्भ में सूचना देना, और तीसरा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर व्यापार वार्ताएँ आयोजित करना। अमेरिका में अमेरिकन ट्रेड लॉ 1974 के अनुसार एक उसका सेक्शन है 301, और इस 301 के अंतर्गत दो पॉइंट्स हैं। एक को कहते हैं हम लोग सुपर 301 और एक को कहते हैं स्पेशल 301। सबसे पहले आप ये जान लें कि सुपर 301 कहने से क्या है और स्पेशल 301 क्या है, और इस वाले मामले में कौन सा मामला जुड़ा हुआ है। सुपर 301 के अंतर्गत USTR ये जांच करती है कि किसी देश के द्वारा अमेरिका के व्यापारिक हितों को प्रभावित तो नहीं किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कदम तो नहीं उठाया गया है, इस बात की वह जांच करती है। जबकि स्पेशल 301 के अंतर्गत अमेरिका इस बात की जांच करती है कि दुनिया के किसी देश के द्वारा अमेरिका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा को कहीं नुकसान पहुंचाने की तो कोशिश नहीं हो रही है। तो एक बात बहुत क्लियर रहे, सुपर 301 जनरल है और स्पेशल 301 आईपी के संदर्भ में जुड़ा हुआ है। यहां जो मुद्दा है वह सुपर 301 का है और इसके अंदर अमेरिका जांच करना चाहे। अब हम बताने जा रहे हैं कि ये जो डिजिटल सर्विस टैक्स 2% की रेट से 1 अप्रैल 2020 से भारत की सरकार ने जो इम्पोज किया है, ये जो भी डिजिटल कंपनी है यहाँ पर जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ई कॉमर्स कंपनियाँ, चाहे वो वस्तु को सप्लाई कर रही हों वस्तु के मामले में, चाहे सर्विस के मामले में या डिजिटल सर्विस के मामले में, ऐसी कंपनियों पर जिनका भारत में आधार न हो, विदेशी कंपनी, उनके रेवेन्यू का 2% यह टैक्स लगाया गया है। लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन और है, ये 2 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनी के ऊपर ये टैक्स लगेगा। अब अमेरिका जो विरोध कर रहा है, भारत समेत और भी 9 देशों के ऊपर इसकी जांच वो कर रहा है 301 के अंदर, स्पेशल सुपर 301 के अंतर्गत। लेकिन भारत ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका की कंपनी के खिलाफ ये लगा रहा है, ये दुनिया के अन्य कंपनियों के ऊपर भी ये टैक्स लगाया जाएगा। अमेरिका को भले ही ऐसा समझ में आ रहा है केवल अमेरिकी कंपनी के विरुद्ध भारत सरकार के द्वारा ये कदम उठाए गए, ऐसा नहीं। और जहां तक सवाल टैक्स लगाने का है तो सरकार हमारी संप्रभु है, और WTO के अंतर्गत जो गैट्स है, GATS जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इसमें हम सेवाओं के संदर्भ में टैक्स लगाने का अधिकार है। यदि सफाई देने की बात होगी तो भारत सरकार WTO के अंतर्गत इस बात को उठाएगी, और एक संप्रभु सरकार होने के नाते टैक्स लगाने का भी राइट है। अब यहां मैं थोड़ा सा और भी आपको क्लियर कर दूं कि
भले ही कोई विदेशी कंपनी है, अगर भारत के एड्रेस पते को लेकर के अगर इस बिजनेस को करेगी तो उसके खिलाफ भी ये टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, बेचा जाता है अगर यहाँ पर किसी को तो उसका यूज किया जाए, टैक्स को यूज किया जाए। अब सवाल उठता है कि ई कॉमर्स क्या है, तो आप जानिए, वैसे तो प्रैक्टिकल रूप में सभी लोग जानते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि थ्योरेटिकली कुछ बातों को जानना जो UPSC के विद्यार्थी के लिए जरूरी होता है। थ्योरेटिकली क्या है मैं चर्चा कर रहा हूँ, उससे पहले आपको प्रैक्टिकल थोड़ा बता दें। जैसे आप सभी को पता है कि Amazon है, Flipkart है, Snapdeal है, ये सब ई कॉमर्स कंपनियों के उदाहरण हैं और ये सब विदेशी कंपनी है। अब इनका काम क्या है, इनका काम है एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अवेल कराना जिस पर मैन्युफैक्चरर यानी जो वस्तु का बनाने वाला है या कोई सर्विस प्रोवाइडर अपनी वस्तु और सर्विस को इन प्लेटफॉर्मों पर दर्ज करते हैं और वहीं से जनता जिस परचेजर जो लोग खरीदना चाहते हैं वहां पर ऑर्डर प्लेस करके उसको खरीदते हैं। यानी यहां पर ये एक प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अवेल कराते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेल कराते हैं, वो टेलीविजन के माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी होता है, तो सेल्फ परचेज के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी और बारीकी से समझने की जरूरत है। ये दो तरीके के मॉडल होते हैं। जब कोई ई कॉमर्स कंपनी केवल इतने ही भूमिका में रहती है कि दूसरे मैन्युफैक्चर कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस को वह ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करती है और एक प्लेटफॉर्म अवेल कराती है सेलर बायर को, तो इसको कहते हैं मार्केट प्लेस मॉडल बोलते हैं या मार्केट बेस्ड मॉडल बोलते हैं। घबराइएगा नहीं, कहीं बेस चलता है कहीं प्लेस चलता है, एक ही चीज है, मार्केट प्लेस मॉडल कहते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका है जिसको इन्वेंट्री प्लेस मॉडल कहते हैं, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल कहते हैं। वो क्या होता है, अगर मैं खुद ही मैन्युफैक्चरर हूँ, अपनी प्रोडक्ट को बनाता हूँ और मैं खुद ही अपने लेवल पर अपने ग्राहकों को बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराऊं तो इसको कहेंगे इन्वेंट्री मॉडल कहेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, तो दो तरीके के हैं। अब सवाल उठता है कि भारत में ई कॉमर्स को लेकर के, FDI निवेश को लेकर के क्या पोजीशन है, तो जानिएगा कि मार्केट प्लेस मॉडल के अंतर्गत 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से परमिशन है, ऑटोमेटिक रूट से परमिशन है 100% FDI। इसका मतलब क्या है, यानी जो विदेशी निवेशक है चाहे तो इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं और निवेश करके 30 दिन के अंदर RBI को सूचित कर सकते हैं। लेकिन इन्वेंट्री मॉडल के अंतर्गत FDI का यह निवेश केवल 49% तक ही सीमित है। इन्वेंट्री मॉडल के अंतर्गत उसमें नहीं है, ऐसा क्यों, इस तरह के गाइडलाइन क्यों है, और कुछ और भी रिस्ट्रिक्शन पिछले वर्ष लगाई गई थी सरकार की तरफ से, आप देखिए वो क्या है कि इन्वेंट्री मॉडल के अंदर FDI का परमिशन नहीं होगा और दूसरा कोई जैसे प्राइवेट पार्टी होता है, यानी कि मान लीजिए कि Amazon कंपनी है तो Amazon का अपना भी प्रोडक्शन यूनिट है, उसके प्रोडक्ट को वो नहीं बेच सकती है अपने उस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, प्राइवेट लेबल्स बोलते हैं उसको, यानी उनकी अपनी कंपनी, उनके प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, और बेचेंगे तो फिर जो है कि मार्केट प्लेस मॉडल के स्टेटस को गंवा देंगे और 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से पाने का रास्ता बंद हो जाएगा। दूसरा एक और रिस्ट्रिक्शन था कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से 25% से ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करे, मतलब रॉ मटेरियल परचेज करके और उसी को फाइनल प्रोडक्ट बेचता हो 25% से ज़्यादा, तो वो भी
इन्वेंट्री मॉडल के अंतर्गत ही कंसीडर किया जाएगा, ना कि मार्केट प्राइस। दूसरी बात कि अगर कोई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट का टोटल प्रोडक्शन का अगर 25% या उससे ज़्यादा किसी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर बेचने, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचना चाहेंगे तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। यहाँ तक कि जो ई कॉमर्स कंपनी है वह उन कंपनियों को कई बार छूट देते हैं कि आप सारा का सारा प्रोडक्ट हमारे ही प्लेटफॉर्म पर बेचिए, इसके लिए भी मना किया गया है। यानी होगा क्या कि कोई मैन्युफैक्चरर अपना मेजर प्रोडक्ट किसी एक सिंगल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकते हैं, कई जगह बेचे, जनता को भी कई प्लेटफॉर्मों पर उन प्रोडक्ट को अवेलेबल होगा, इससे प्रतियोगिता होगी और जनता को इसको लाभ होगा। अब सवाल उठता है कि इस तरह से प्रतिबंध लगाने के पीछे कारण क्या है, जबकि इसमें बहुत सारा रोजगार भी क्रिएट होता है, निवेश भी आता है, निवेश आने से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, और अगर इस तरीके के प्रतिबंध लगाएंगे तो नो डाउट निवेश पर असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ेगा। फिर भी सरकार इस तरीके के कदम पिछले वर्ष क्यों उठाया? सरकार दूसरी तरफ चाहती है कि जो हम न्यू स्टार्टअप्स डेवलप करना चाहते हैं, घरेलू निवेशकों को प्रमोट करना चाहते हैं, वे लोग इसमें प्रमोट नहीं हो पाएंगे, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वे सब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से प्राप्त करके अब खुद का प्रोडक्शन करके अपने प्लेटफॉर्म से बेच लेंगे। ऐसे में हमारे छोटे प्रोड्यूसर्स, वे लोग या जो छोटे ई कॉमर्स डेवलपमेंट हो रहे हैं देश के अंदर, वे प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे। साथ में जो ऑफलाइन में दुकानें हैं वे लोग भी चैलेंज फेस कर रहे थे, क्योंकि इनके द्वारा भारी छूट पर सामान बेची जा रही थी, क्योंकि इनके पास निवेश कैपेसिटी ज़्यादा होता, प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा होता, तो इससे कंपटीशन करना मुश्किल हो रहा था। इन्हीं सब डिमांडों को ध्यान में रख करके सरकार ने कदम उठाए, लेकिन चिंता भी बनी हुई थी क्या कि इससे जो है अमेरिका हमारे साथ व्यापार समझौतों में दबाव डालेगा कि हमारी कंपनियों को हितों पर असर पड़ रहा है। तो ये भी एक मुद्दा था। और जो हमने आपसे अभी कहा था कि गूगल टैक्स 6%, वो पहले केवल, यानी जो चल रहा है वो केवल एडवर्टीजमेंट पर लगता है, थोड़ा इसको भी आप समझ लीजिए अच्छे तरह से। पहले ज़्यादातर लोग टीवी देखते थे, रेडियो सुनते थे, तो एडवर्टीजमेंट वहाँ होता था, उस एडवर्टीजमेंट पर सरकार को टैक्स मिलता था। आजकल स्मार्टफोन होने के वजह से ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन पर ही लगे रहते हैं, कंपनियां भी वहीं पर ऐड देना पसंद करती हैं। ऐसे में गूगल है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स हैं या अन्य और कंपनी, ये सब एडवर्टीजमेंट के थ्रू अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता था। अंततः सरकार ने 6% का टैक्स लगाया। 6% टैक्स का मतलब होगा कि अगर किसी, और एक कंडीशन उसमें ये भी था कि 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का एडवर्टीजमेंट करवाने वाली कंपनी के ही ऊपर यह 6% टैक्स का बर्डन आएगा। यानी अगर किसी ने मान लीजिए कि 2,00,000 रुपये का एडवर्टीजमेंट करवाया तो उस पर यह टैक्स अप्लीकेबल होगा 6% की दर से। यानी 2,00,000 रुपये के जगह पर वह कितना देगा, 1,88,000 कंपनी को ट्रांसफर करेगा और 12,000 रुपये जो है कि सरकार को भरेंगे इस तरीके से। तो आप सोच रहे हैं कि इससे तो जिसने एडवर्टीजमेंट करवाई, जिस कंपनी ने, उसको तो नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो जो है कि विदेशी कंपनी को हुआ। नहीं, इसमें समस्या ये आएगी कि अगली बार से जो विदेशी कंपनी है वो क्या करेगी कि एडवर्टीजमेंट का रेट बढ़ा करके वह 2,12,000 कर, यानी कुछ इस तरीके से करेगी कि उसको 2,00,000 मिल जाएं और बाकी ऊपर के पैसे टैक्स में चले जाएं। यानी बर्डन किस पर आया,
भारत देश की छोटी छोटी कंपनी जो स्टार्टअप्स हैं जो इन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने एडवर्टीजमेंट करा के अपने कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसे छोटी कंपनियों पर इसका बर्डन आएगा। ये भी एक चैलेंज का विषय है। और नया कर जो भी आपसे चर्चा किया कि 2% डिजिटल सर्विस टैक्स 1 अप्रैल 2020 से इम्पोज किया गया है। दुनिया के अन्य देशों ने भी इस तरीके कर लगाने शुरू किए हैं। फ्रांस ने 3% ग्रॉस प्रॉफिट पर, बट हमारे यहाँ यह रेवेन्यू पर लगाया जाएगा। यानी विदेशी कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करेगी, थोड़ा आप कन्फ्यूजन आपका दूर कर दे। एक यूपीएससी के विद्यार्थी को बहुत बारीकी से अध्ययन की जरूरत पड़ती है, मोटा मोटी अध्ययन से काम नहीं चलता है। जैसे मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू कह रहा हूँ, यानी रेवेन्यू को अगर टर्नओवर आप समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। यह प्रॉफिट पर टैक्स नहीं है, यह जो है कि रेवेन्यू पर टैक्स है। यानी 100 रुपये का कोई सामान बिकेगा, उस 100 रुपये पर लगेगा 2%, ना कि कंपनी के प्रॉफिट पर लगेगा। तो रेवेन्यू यानी टर्नओवर पर लगेगा। और किस तरीके की कंपनी के ऊपर लगेगा, जिसका 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा का टर्नओवर ईयरली है उस कंपनी पर लगेगा, कम वाले पर नहीं। और गूगल टैक्स में आपने देखा कि किसको देना पड़ता है, जो 1 लाख रुपये से अधिक का एडवर्टीजमेंट करवाता है उनको देना पड़ता है। तो डिजिटल सर्विस टैक्स, और दूसरा आपने देखा कि गूगल टैक्स जो पहले से चल रहा है, और तीसरी जो बात हमने बताई आपको वो क्या बताई कि ई कॉमर्स के मॉडल क्या होते हैं, मार्केट प्लेस मॉडल, और दूसरा होता है इन्वेंट्री मॉडल। मार्केट प्लेस में केवल वह मीडिएटर के रूप में काम करता है, उसका अपना कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट को और परचेजर को अवेल कराने का प्लेटफॉर्म देता है। जबकि इन्वेंट्री मॉडल में खुद के प्रोडक्शन की प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से वह खुद ही कंज्यूमर तक पहुंचाता है, इसको इन्वेंट्री मॉडल कहते हैं। इन्वेंट्री मॉडल में FDI ऑटोमेटिक रूट से परमिशन नहीं है, और जबकि मार्केट प्लेस मॉडल में बेस्ड मॉडल में 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से तात्पर्य है आप निवेश कर दीजिए और 30 दिन के अंदर RBI को सूचित कर दीजिए। तो आज का टॉपिक इतना है, फिर इसी तरीके से मैं लेके आऊँगा जहाँ पर क्वेश्चन UPSC के बनने की संभावना है इस वर्ष 4 अक्टूबर को। ये चीज़ नहीं है, जब गूगल टैक्स आया था तभी भी UPSC ने पूछा, क्योंकि तभी भी चर्चा का विषय बना था। अब डिजिटल सर्विस टैक्स आया है तभी भी चर्चा का विषय बना है, ठीक है। तो ये हमारा क्राइटेरिया होगा। हम पेड कोर्स चलाने जा रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो 9871115460 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं YouTube पर भी इसी तरीके से चुनिंदा अच्छे क्वालिटी वीडियो भी आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं राजू सिंह IAS को, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्वालिटी वीडियो आपके समक्ष लाएं आपको मैसेज मिल जाए और आप उसको देखने से न वंचित रह जाए। थैंक यू वेरी मच।